अगर आपकी आंखों में ये जो व्हाइट पुतलियां होती हैं, यहाँ पे तिल है, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सुस्त किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही आलसी लोग होते हैं। ऐसे लोग जल्दी से काम को खत्म कभी नहीं करते और एक काम खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। अगर आपकी आंखों के नीचे यहां पर तिल होता है, इस जगह पे तिल होता है, जब आपके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं इस पार्ट में, तो आप लोग बोलते ना डार्क सर्कल आ गए, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर तिल होता है तो ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है और फाइनेंशियली भी ये लोग बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि ऐसे लोगों का रुपए पैसा अक्सर दवाइयों में खर्च होता है या फिर मशीनरी में पैसा जाता है। तो ये लोग अपनी लग्जरी पे पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इनको हमेशा दवाइयों में, या फिर किसी ने पैसे ले लिए वो वापस नहीं करके गया, लेकर भाग गया, या इनका पैसा कमेटियों में डूब जाता है, तो कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। अगर सपोज आपकी नाक पर तिल है, आपकी नोज पे यहां इस वाले एरिया में तिल है, तो ऐसे लोग बात बनाने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे लोग, हम बोलते हैं ना, ये तो खड़े खड़े रोड पे भी बेच देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे लोग बातों के बहुत ही अच्छे धनी माने जाते हैं। ऐसे लोग बात बनाने में बहुत स्मार्ट होते हैं, ऐसे लोग बटरिंग करने में बहुत स्मार्ट होते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है, ये लोग चापलूसी बहुत ज्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं इनकी चापलूसी से ही अपना काम निकलवा ही लेते हैं।